नमस्कार दोस्तों, जानेंगे आज क्या है खास एसआरडी न्यूज़ पर। आज हम आप लोगों के लेके आए हैं महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई और भी बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हैं। आइए जानते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई और उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इनकी जन्मतिथि 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस तथा पुण्यतिथि मतलब मृत्यु दिवस पर 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे 1893 में एक मुकदमे की पैरवी में दक्षिण अफ्रीका गए तथा 1915 में वापस आ गए। गांधी जी लियो टॉलस्टॉय से बहुत प्रभावित होकर उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाए। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? गांधी जी ने 1996 में दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया। सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा तथा सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया? गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग कांड तथा रॉलेट एक्ट के विरोध में 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। 11 फरवरी 1922 के चौरी चौरा कांड से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 के विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब की और यह कितने किलोमीटर की थी? तो गांधी जी ने 1919 में यंग इंडिया व नवजीवन तथा 1993 में हरिजन का प्रकाशन किया। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी में नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। गांधी जी की मृत्यु कब हुई? 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे ने प्रार्थना के समय की थी। गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट कहलाता है। विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था। अब महात्मा गांधी से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों को जानते हैं। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। गांधी सत्याग्रह का प्रयोग कब किया? सितंबर 1906 में दक्षिण अफ्रीका ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश के विरोध में। गांधी जी को पहली कारावास कब हुई थी? दक्षिण अफ्रीका में जोहानिसबर्ग में 1908 में हुई थी। किस रेलवे स्टेशन में गांधी अपमानित किए गए और अपदस्थ किए गए थे? दक्षिण अफ्रीका में पीटर मेरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर। गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म दक्षिण अफ्रीका कब शुरू किया था? 1910 में। गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट कहां शुरू कर दिया था? दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का क्या नाम है? इंडियन ओपिनियन 1904 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे?
9 जनवरी 1915 में। 9 जनवरी को इसी कारण प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ आरंभ हुआ था? यह 1917 में चंपारण में इंडिगो श्रमिक के अधिकार के लिए किया गया था। गांधी की पहली अनशन। भारत में गांधी के दूसरे सत्याग्रह कहाँ हुए थे? अहमदाबाद में। किस कारण गांधी जी ने केसर ए हिंद पदवी छोड़ दी थी? जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में। यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था? महात्मा गांधी ने। किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? 1924 में बेलगांव में कांग्रेस अधिवेशन की। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? 1933 में। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? देशभक्त। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन है? लियो टॉलस्टॉय। गांधी जी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 को नाथुराम विनायक गोडसे द्वारा। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? क्रिप्स मिशन 1942 को। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? 1908 में। बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया? महात्मा गांधी ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में माना जाता है? 1915 से 1948 को। भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ था? खेड़ा सत्याग्रह। गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम क्या है? सत्य ना प्रयोग। किस काल को आत्मकथा का काल माना जाता है? 1869 से 1921 को। गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? 1927 में नवजीवन में। गांधी जी ने अपने आत्मकथा किस भाषा में लिखे? गुजराती में। गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? महादेव देश जी ने। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद महात्मा गांधी का सचिव किसे बनाया गया था? तो यह बनाया गया था प्यारे लाल जी को। गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? मैडेलिन स्लैड। गांधी ने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्रीराम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी मोतीलाल नेहरू ने। गांधी जी का उपनाम से जाने जाने वाले व्यक्तियों को जानते हैं। किसे सीमांत गांधी नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? बाबा आमटे को। श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? एटी अरिया डाटने को। अमेरिकन गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? मार्टिन लूथर किंग। बर्मी गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? जनरल आंग सान। अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? कैनेट कोडा को। यह थी गांधी जी से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। अधिक जानकारी के लिए आप srdnews.com पर विजिट कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।